हम लोग डेली रूटीन में जो भी खाना खाते हैं तो बहुत सारे पीपल्स के बीच में ये प्रॉब्लम आती है कि उनको जो है एसिड जो है वो बनता है उनके स्टोमक के बीच में, और उनका जो खाना जो है तो वो पूरी तरह से उनको पच नहीं पाता है। जहाँ फिर क्या होता है कि वो खाना तो खाते हैं तो उसके कुछ खाना खाने के कुछ टाइम के बाद जो है उनके मुँह के बीच में कुछ जैसे कि खट्टा जैसा कुछ लिक्विड जो है निकलता है, तो उनका स्टोमक जो है बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका होता है। तो अगर वो जो है अपने स्टोमक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वो रेगुलर जो है इस अमलपिता मिश्रण सस्पेंशन का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी जैसे कि किसी को हाइपर एसिडिटी हो या फिर नौसिया या फिर वोमिटिंग आती हो, जिनको उल्टियाँ वगैरह होती हों, या फिर जिनके स्टोमक के बीच में जैसे जलन जैसे होती है, या फिर कोई भी ऐसी स्टोमक प्रॉब्लम, तो वहाँ पे जो है इस अमलपिता मिश्रण का यूज़ वो कर सकते हैं। तो करना क्या है कि जो भी पर्सन होगा जिसको कि ये प्रॉब्लम है एसिडिटी की, एसिड बनना स्टोमक के बीच में, तो उसको जो है 5 से लेके 10 ml जो है इसका सेवन करना है प्रतिदिन, और ये जो है उसको सेवन करना है 3 टाइम, और हर टाइम जो है जैसे कि मॉर्निंग और दोपहर को और रात को इसको जो है ये लिक्विड शेप में तो इसको पीना है। तो एक एक ढक्कन जो है पी सकते हैं या फिर चम्मच का यूज़ कर सकते हैं एक एक चम्मच, तो 3 टाइम जो है इसका सेवन करना है और जो रेगुलर करना है। तो इसका जो प्राइस जो है वो है 140, और ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है अगर आप लोगों को कोई भी एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है पेट के बीच में होती है या फिर गैस वगैरह बनती है, तो आप लोग जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जब कभी आप लोगों को जो है इसका यूज़ करना है तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों को गुड़ वगैरह नहीं खाना है, या फिर जो ऑयल जो है तो उसका यूज़ जो है आप लोगों को कम करना है, या फिर जो गोलगप्पे होते हैं तो उनका भी यूज़ नहीं करना, तरी हुई जो चीज़ें हैं तो उनका यूज़ जो है आप लोगों को बंद कर देना है। और उसके बाद आप लोगों का स्टोमक जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो चीज़ भी आप लोग जो खाएंगे तो वो चीज़ जो आप लोगों को बचेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको जो है कूल प्लेस के फ्रिज के बीच में स्टोर करके रखना है और सनलाइट से जो है इसको दूर रखना है। तो जब कभी भी आप लोगों को इसका जो सेवन करना है तो इसको आप लोगों को अच्छी से जो है इसको हिला लेना है, ठीक है। तो ये आयुर्वेदिक है तो इसके कोई भी जो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो आप लोग जो है इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो रेगुलर आप लोगों को क्या करना है कि अगर किसी को जो अगर हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम जो बहुत पहले से है तो उनको जो है इसका यूज़ जो है वो रेगुलर करना पड़ेगा, और जिनको जो है ये एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है अभी अभी स्टार्ट हुई है तो वो जो है इसका सेवन जो है जैसे कि मैंने पहले बोला कि 3 टाइम यूज़ करना, तो वो सिर्फ 1 टाइम भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जिनको ज़्यादा होती है एसिडिटी की या फिर जो जो खट्टा पानी जो है वो स्टोमक के बीच में ज़्यादा बनता है, तो उनको 3 टाइम जो है इसका सेवन करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही वो जो जो कुछ भी वो खाना खाएंगे तो उनको वो चीज़ जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगी।